जेवर एयरपोर्ट का रिकॉर्ड 2022 के लिए मिलेगा बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड। उत्तर प्रदेश के जेवर में 2024 तक चालू होने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 2022 में ही एक रिकॉर्ड बना दिया है। ये रिकॉर्ड है बनने से पहले ही अवार्ड हासिल करने का। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आर्किटेक्चरल रिव्यू फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। ये बड़ा इंटरनेशनल अवार्ड नोएडा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को इसके पैसेंजर टर्मिनल के लिए दिए जाने का ऐलान किया गया है। इस टर्मिनल को नॉर्डिक ऑफिस ऑफ आर्किटेक्चर, ग्रिमशॉ आर्किटेक्ट्स, हैप्टिक आर्किटेक्ट्स और STUP कंसल्टेंट्स के एक कंसोर्टियम द्वारा डिज़ाइन किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक डिज़ाइन भारतीय हॉस्पिटैलिटी को स्विस दक्षता को मिलाकर बेहतरीन बनाता है, जबकि भविष्य की ज़रूरतों के लिए टिकाऊ और फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ कस्टमर कंफर्ट को भी पूरा करता है। YIAPL यानी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस्टोफ शनेल मैम ने कहा है कि यह पुरस्कार प्राप्त करना सम्मान की बात है। नोएडा एयरपोर्ट एक कुशल लेआउट, ठोस डिज़ाइन और हाई क्वालिटी का प्रतीक है। ये ऊर्जा बचत और हरियाली का भी पक्षधर है। शनेल मैम ने कहा है कि हम ग्राहकों की सुविधा का ध्यान रखने का लक्ष्य पूरा करेंगे। उन्होंने कहा है कि नया हवाई अड्डा यात्रियों के लिए एक सुखद माहौल के साथ साथ एक सहज यात्रा अनुभव, रास्ता खोजने में आसानी और हाई क्वालिटी वाले कमर्शियल ऑफर्स प्रदान करेगा। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के CEO क्रिस्टोफ शनेल मैम ने कहा है कि ये पुरस्कार कंपनी के लिए काफ़ी उत्साहित करने वाला है। इससे काम करने में और ऊर्जा मिलेगी और एयरपोर्ट को बेहतर बनाने में मदद भी मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल में इमारत के अंदर और आसपास हरे भरे एरिया शामिल होंगे, जो भविष्य के शहर के लिए हवाई अड्डे का एक विशेष कंसेप्ट पूरा करेंगे। ये भविष्य में हर साल 3 करोड़ पैसेंजर की सेवा करने वाला एक ऑप्शन होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यह कहा जा रहा है कि यह भारत का पहला नेट ज़ीरो एमिशन वाला एयरपोर्ट होगा। एक हवेली के जैसी बनावट वाले इस एयरपोर्ट टर्मिनल में खुले एरिया से ताज़ी हवा और सूरज की रोशनी प्रवेश कर सकेगी। इसमें यात्रियों को कम से कम चलना होगा और एक जगह चढ़ने के बाद कई जगह सुरक्षा का कवच भी बनाया गया है। टर्मिनल में वाराणसी और हरिद्वार की गंगा घाट की भी झलक दिखाई देगी। इस पैसेंजर टर्मिनल में सजावटी जालीदार स्क्रीन होंगी, जिन पर भारतीय वास्तुकला की छाप दिखाई देगी। ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल ने जून और अगस्त 2020 के बीच आयोजित किए गए 3 फेज के डिज़ाइन कंपटीशन के जरिए दिसंबर 2020 में नॉर्डिक, ग्रिमशॉ, हैप्टिक और STUP के कंसोर्टियम को सिलेक्ट किया था और अब आर्किटेक्चरल रिव्यू की ओर से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड 2022 दिए जाने का ऐलान हुआ है। संस्था की ओर से एयरपोर्ट को ये अवार्ड भविष्य के लिए बनाई गई योजनाओं को देखते हुए दिया गया है। जल्द ही इसकी तारीख भी तय की जाएगी।